ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। तो स्टूडेंट ऐसे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफैटिक एसिड पहले से ही पढ़ चुके हैं एल्केन में, राइट। और उसमें लेते क्या है, सोडा प्लस लाइम एंड हीट। तो देखिए जनरली डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग का माइंड में एक ही चीज आता है कि सोडा लाइम लेकर हीट करना है। मतलब होता है कि मोस्ट कॉमन, फॉर एग्जांपल फ्रीडर का अल्काइलेशन जैसे ही बोलते हैं तो अल्काइलेटिंग एजेंट के नाम पे आता है आरएक्स, वैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं तो जनरली रिएजेंट आता है सोडा लाइम, ठीक है। बट एरोमेटिक एसिड में खासकर बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन बेसिक मीडियम में भी होता है और एसिडिक मीडियम में भी होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में होता है। तो एक तो आप यहां पे इसको देख सकते हैं, यहाँ देखिए जनरली लाइम लेकर, ध्यान से यहाँ देखिएगा, लाइम लेकर हीट करने का सेंस ये है कि CO2 अगर वहाँ पे आउट भी होता है, ध्यान सुनिएगा, तो वापस वो अटैक नहीं करे, लाइम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा बाय मेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे जब हीट करेंगे तो बेसिक मीडियम में हम लोग का इंटरमीडिएट क्या था, कार्बन आयन था, करेक्ट। बट यहाँ जो कार्बन आयन बना है वो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक कार्बन आयन रेजोनेंस में जा पाएगा, अगर रेजोनेंस करेगा तो कार्बन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हेंस इट इज ओनली स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। जो मेजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं होगा तो फिर उसको, और खासकर कार्बन आयन है, हाइपर कंजुगेशन में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन निगेटिव चार्ज के साथ होता ही नहीं है, पहली बात। तो अब निगेटिव चार्ज मेजोमेरिक भी नहीं कर रहा है, रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है, और हाइपर होता नहीं उसके साथ, तो बचा कौन। इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ जो निगेटिव एलिफैटिक एसिड में वो रेजोनेंस में आ सकता था अगर कोई एक्सेप्टर रहता तो, बट यहाँ पे एक्सेप्टर होते हुए भी एक्सेप्टर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, करेक्ट। देन दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। और बाकी के लिए तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से क्या ले लेगा, S+, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। अब लिखिए एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड, ये था कौन सा,
बेस कैटलाइज्ड, ये था बेस, ये तो जनरल था जो कि हम लोग जानते हैं पहले से। यहाँ देखिए स्टूडेंट, डी कार्बोक्सिलेशन में ये तो पता है कि इस ग्रुप को जाना पड़ेगा, राइट इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो नहीं लेता, इट इज मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी एल्फैटिक एसिड ये सब काम मत कीजिएगा यहाँ पे, बिकॉज इसके पास पाई क्लाउड है और इसमें एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, दिस इज द वजह कि एरोमेटिक एसिड में बेस कैटलाइज भी होता है और एसिड कैटलाइज भी होता है। उसके बाद ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से आउट क्या हो जाएगा, एच प्लस, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट, और यहां से क्या आउट हो जाएगा, सीओ टू। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो एसिड कैटलाइज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्जेलिक बेंजोइक एसिड में आपका इंटरमीडिएट क्या है, व्हाट इज योर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है व्हीलर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, और एक कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है, दिस इज योर इंटरमीडिएट ना, तो रेजोनेंस में आएगा या नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, तो एक लिखिए, इन एसिड कैटलाइज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इन एसिड कैटलाइज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, चलो सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, एसिड कैटलाइज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इंटरमीडिएट इज व्हीलेंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इज व्हीलेंड इंटरमीडिएट, ब्रैकेट लिखे कार्बोकटायन व्हीलेंड इंटर, सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो व्हीलेंड इंटरमीडिएट ही मिलता है राइट, ब्रैकेट में क्या लिखिए, ब्रैकेट में व्हीलेंड, यहां देखिए ये आपका इंटरमीडिएट है, बात मत कीजिएगा राइट, ये रेजोनेंस में है या नहीं है, इसका मतलब है कोई भी यहाँ डोनर रहेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा और एक्सेप्टर जो रहेगा वो डी स्टेबलाइज करेगा, करेक्ट, इसका मतलब देखिए आप इसका ओरिएंटेशन देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे
आपका एसिड ग्रुप है, करेक्ट। तो इस एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर अब मैं इसका ओरिएंटेशन देखता हूँ कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अगर देखेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आप एच प्लस, मेरा इलेक्ट्रोफाइल गया तो कार्बोकैटायन यहाँ बना, और डोनर सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा ओआर है, ये क्या है डोनर इन रेजोनेंस। तो देखिए तो ये रेजोनेंस में आएगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ से ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि जो डोनर रहेगा, जो रेजोनेंस में डोनर रहेगा प्लस में रहेगा, उसको इस एसिड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पर रखेंगे। दैट्स व्हाई जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, लेकिन अगर मेटा में रहेगा तो कंजुगेशन में आ पाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे डोनर मेरा लाइक ओआर, देखिए तो इसका ओआर का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन कर पाएगा कार्बोकैटायन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड इधर ही ब्रेक हो गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है कि नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई डोनर है और मीडियम अगर एसिड कैटलाइज डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, और अगर उस ग्रुप में अगर कोई डोनर लगा हुआ है तो उसको एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो, एक लाइन मिला लीजिए। इफ एनी डोनर ग्रुप ऑल्सो प्रजेंट इन बेंजोइक एसिड, then that donor group should be at ortho and para position with respect to acid group. Then that donor group should be at ortho and para position विथ रेस्पेक्ट टू एसिड ग्रुप, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, इस टाइप का एग्जांपल आने का चांस रहेगा। ए बी सी एंड डी, इन चारों में ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड, ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन एसिड कैटलाइज्ड, तो सबसे ज़्यादा तो डी में रहेगा, उसको तो हाइपर कंजुगेशन करेगा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद ए में रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा सी का, करेक्ट है ना। तो ऑर्डर हो जाएगा डी बी ए सी, करेक्ट है। इसी क्वेश्चन को फिर से बना लेते हैं, ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन बेसिक मीडियम, ईज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन बेसिक मीडियम। सी थोड़ा सा इसमें देखिए, और भी सोचना पड़ेगा, ऐसे
90% आप करेक्ट। अब आंसर हो जाएगा बेसिक मीडियम में निगेटिव, तो यहाँ बनेगा एवरीवन करेक्ट। तो ओआर का करेक्टर है, अगर किसी को प्लस एम से स्टेबलाइज नहीं किया तो माइनस आई उसके लिए शो करेगा, किसी का प्लस एम नहीं शो करेगा तो क्या फिर शो करेगा माइनस आई। तो यहाँ जो बेसिक मीडियम में कार्बन आयन बनेगा उसके लिए माइनस आई शो कर देगा करेक्ट। तो और इसका भी क्या लीजिएगा माइनस आई। तो अब बेसिक मीडियम में समझो स्टूडेंट, सी के बाद क्या होगा डी, और उसके बाद ए तो प्लस आई। बेसिक मीडियम सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम है, ये बात मैं बता रहा हूँ, एलिफैटिक सिस्टम में तो ऑब्वियसली माइनस एम इन्जॉय करेगा राइट। समझे नहीं समझे, अल्केन में ही पढ़ा चुके हैं, एक बार अल्केन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी ए बी, बी तो प्लस आई ना, तो प्लस आई स्टेबलाइज करेगा या डी स्टेबलाइज करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा। हो जाएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए स्टूडेंट, देखिए ऐसा भी एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, ये अगर यहाँ देखिएगा, अगर बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप है और H प्लस उसमें डाल रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप वहाँ से हट सकता है, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH3 CH3। अब कार्बोकटाइन बन कर तो रहेगा नहीं राइट, बट यहाँ पे कार्बोकटाइन अगर बन के आउट हुआ है तो यहाँ पे रिएजमेंट का भी चांस रहेगा, हालांकि यहाँ पे चांस नहीं है। तो H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया था, तो यहाँ से H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बना CH2CCH3CH3, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, लिख लीजिए, सोचे तो क्या होगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन, किसी एक में डी अल्काइलेशन होगा दूसरे में अल्काइलेशन होगा। अब आपको बताना है किस में डी अल्काइलेशन हुआ है, किस में अल्काइलेशन हुआ है। Thank you.
यहाँ देखिए, अगर यहाँ से डी अल्काइलेशन करेंगे तो सी एच थ्री प्लस बनेगा, यहाँ का कार्बोक्टाइन, और यहाँ से करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन बनेगा। किसका कार्बोक्टाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? जैसे यहाँ से इसको आउट करेंगे कार्बोक्टाइन बनाकर और यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म तो जस्ट मैं दिखाया था, तो क्या डायरेक्ट इसके लिए अभी अभी जस्ट इससे पहले का एग्जांपल में था ना, इसके लिए डायरेक्ट ए लिख दिया जाए कि यहाँ से मुझे ए मिलेगा सी एस थ्री प्लस सी एस थ्री और सी एस थ्री। अब यहाँ से इस पर अगर कोई अटैक करने के लिए है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, तब एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर कोई चांस नहीं रहता तो एलिमिनेशन हो जाता, हल्की नहीं बनता। बट अभी तो दूसरा रिंग बचा हुआ है और यहाँ पर ए रिंग टॉलिन का, तो टॉलिन में ये जो सी एस थ्री है वो डोनर का काम करेगा, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, ऑर्थो एन। तो ये इसके लिए ये हो गया अल्काइलेटिंग एजेंट कार्बोक्राइन, राइट। तो यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो एन पैरा पे, बट कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? पैरा ज़्यादा बनेगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, राइट। तो यहाँ से इसको अटैक कर दीजिए, यहाँ पे एक कुछ नहीं है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, जस्ट लाइक व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक्स सब तो कितना हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ से मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? करेक्ट है ना? यहाँ देखिए, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी पहले भी आप फिनॉल के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके होंगे। फिनॉल में अगर जिंक डस्ट लेकर हीट करते हैं क्या बनता है? बेंजीन। ये बेंजीन का लैब मेथड है बनाने का, ठीक है, प्लस जिंक ऑक्साइड लिख लीजिएगा। अरे ये तो रिएक्शन रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट का जब केस ले रहे थे जहाँ पे कपलिंग रिएक्शन से पहले, तो इसमें एक खास रीजन डालते हैं जिसका नाम है H3PO2, डायरेक्ट बेंजीन बनता है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आपको कन्वर्सन में काम में आएगा। आपको पता है डीसल्फोनेशन इज वेरी इजी प्रोसेस, डीसल्फोनेशन इज वेरी इजी प्रोसेस, राइट। ये मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, इसमें क्या बोले थे कि एच प्लस वेपर, इसका मतलब है एच प्लस भी नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सिर्फ वाटर वेपर का फ्लो करते हैं तो वहाँ से SO3 आउट हो जाता है और क्या बन जाता है, इसलिए हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन करने का मतलब होता है कि इट इज ए गुड प्रिकर्सर फॉर बेंजीन। दोस्तों अगर बेंजीन को बचा के रखना है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दीजिए, जब आपको बेंजीन चाहिए तो वाटर वेपर का फ्लो करके हीट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे भी रहेगा डायरेक्टली हीट करने से भी इसका डिसल्फोनेशन हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी किया हुआ है, लिख लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुका है, डन।
अब यहाँ देखिए, अगर इसमें NaOH लेकर हीट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो SN1 तो सिर्फ डाइजोनियम का टाइन देता है, बाकी क्या देगा, या तो बेंजाइन पाथ और नहीं तो SNAR पाथ। तो इसमें NaOH लेते हैं तो SNAR पाथ होता है, कौन सा पाथ, SNAR ए बन जाएगा। आप लोग भूल गए क्या सब कुछ? यहाँ देखिए SNAR पाथ में जहाँ पर लिविंग ग्रुप रहता है वहाँ पर ही अटैक करते थे, ठीक है। ठीक है ना? चलिए इसमें अगर KCN लेकर हीट करेंगे क्या बन जाएगा, SO3 आउट होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चलिए। और सोडामाइड लेंगे तो क्या बनेगा एवरीवन, NaNH2 लेंगे तो, और जनरली जब NaNH2 लेते हैं तो वहाँ पे बेंजाइन पाथ हो जाता है, ठीक है। बेंजाइन पाथ जिनको भी डाउट रहेगा वो जाकर देख सकते हैं, बट एक बार देखना पड़ेगा आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं, करेक्ट। इम्पॉर्टेंट है, इसका जो शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा फिर से एक बार, तो उसमें इसका नाम रहेगा मोस्ट लाइकली शायद गटरमैन कोच या कुछ इस टाइप का नाम इसका रिएक्शन करेगा, ठीक है, नेम रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यह कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इनडायरेक्टली फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिख बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट फेल करता है वहाँ पे ये रिएक्शन भी फेल कर जाएगा, और कहाँ कहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन फेल करता था, यस जहाँ पे -M ग्रुप राइट, डोनर में सिर्फ एनिलीन में, डोनर किस में, एनिलीन में, AlCl3। ध्यान से देखें तो AlCl3 का काम यहाँ पे क्या रहेगा, Cl- लेना, और रिलीज क्या करेगा, H+, और इस H+ को ये ट्रैप करेगा, करेक्ट। और यहां से क्या बन जाएगा भाई, यहां देखिए, करेक्ट, अब प्लस AlCl4-, और ये है कैटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहां से Cl- आउट हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे
तो माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका एसाइलियम का टाइन है फिडल का अलगाइलेशन के लिए, ठीक है। क्या इसको ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं? ठीक है ना। और इसके बाद का मैकेनिज्म जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल आपका एसाइलियम का टाइन था, ये क्या बन गया, व्हीलर इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी या गेन, गेन करने के लिए डी प्रोटोनेशन का रिक्वायरमेंट है, और डी प्रोटोनेशन के लिए कौन आएगा, सी एल माइनस, और सी एल माइनस कौन देगा, ए देगा, ठीक है, करेक्ट है ना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बात मत कीजिए, ठीक है, इसको सोचिए तो कैसे होगा, कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, क्या ये बोल सकते हैं, करेक्ट है, बन क्या जाएगा, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच प्लस आ प्लस ए एल सी एल फोर माइनस। अब यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा, तो एक्चुअली है कार्बो कटायन, ये पाई बॉन्ड अगर ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर लेकिन ऐसे नहीं भी सोचते हैं तो ऐसे तो कर सकते हैं कि इस कार्बन पे अटैक करेंगे, आई पाई बॉन्ड का इस तरफ ओपनिंग करेंगे,
चलिए सी एल माइनस कहाँ से आएगा, ए एल सी एल फोर माइनस से बन क्या गया एवरी वन, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, करेक्ट है ना। और उसके बाद सेकंड में फिर क्या लेके गए हैं, यहाँ तक समझ में आया, सेकंड में क्या लेके गए हैं, तो सिर्फ वेस था तो सी डबल बॉन्ड एन ब्रेक करेगा उसको, देखो सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। ये भी कोई फेमस नेम रिएक्शन है, आपको शॉर्ट नोट दूंगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कुछ सही गैस कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक्चुअल में यहाँ से H प्लस लेगा और HCl इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद Cl- यहाँ से H+ लेगा,
करेक्ट है ना? यहाँ तक आ गए? तो एक्चुअली करेक्ट आंसर यही रहता, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, है? नहीं, यहाँ तक सही है, 98% पे पहुँच गए हैं। 2% ये है कि हम लोग ZnCl2+HCl लिए हुए हैं, लुकास रिएजेंट है। क्या है? लुकास रिएजेंट भी है। तो अल्कोहल जो बनेगा, तो सर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, उसमें तो उतना लुकास रिएजेंट काम करता नहीं है भाई। लुक्स लाइक 1 डिग्री बट रेस्टिविटी ऑफ कार्बोकटाइन भाई ये 3 डिग्री के बराबर है, राइट? दैट्स भाई वहाँ पे क्या बोलकर ZnCl2+HCl क्या नाम दे देंगे एट द सेम टाइम, जस्ट लाइक व्हाट? लुकास रिएजेंट, अल्कोहल को नहीं रहने देगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए निरंजन? बट आप यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब आपने काम कर दिया। तो अब ये चार रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य तो चारों ऑल दीज फोर रिएक्शन लुक ऑलमोस्ट जस्ट लाइक फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ऑलमोस्ट जस्ट लाइक फिडल क्राफ्ट, क्योंकि बेंजीन पे कोई भी बेंजीन अगर रिएक्शन करता है और कार्बन का बॉन्ड बनाता है तो इट इज काइंड ऑफ हार्ट, या तो अल्काइलेशन नहीं तो एसाइलेशन। तो जहाँ जहाँ पे फिडल क्राफ्ट फेल करता था वहाँ वहाँ पे ये भी फेल कर जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए, ऑल दीज फोर रिएक्शन, ऑल दीज फोर रिएक्शन आर ऑलमोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ऑल दीज फोर रिएक्शन आर ऑलमोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। देयरफोर दीज रिएक्शन ऑल्सो फेल, देयरफोर दीज रिएक्शन ऑल्सो फेल व्हेन रिंग कंटेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिखिए नेक्स्ट, क्या लिखे थे? व्हेन रिंग कंटेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल एज इन केस ऑफ NH2 ग्रुप, मतलब एनिलीन में भी फेल कर जाता है, वो भी लिख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, बेंजीन को अगर ऑलमोस्ट 650 से 700 डिग्री सी तक अगर हीट करते हैं और कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, बाई फिनाइल बन जाता है। देखिएगा, जस्ट ए रेडिकल कपलिंग, जस्ट ए रेडिकल कपलिंग का मतलब ये हो गया, कितना डिग्री पर हीट करेंगे तो ये होमोलिटी के ब्रेकेज कर जाता है, ठीक है? और यहाँ पे फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाता है, करेक्ट? अब लिखिए और याद कीजिए, वाच रिडक्शन कहाँ पढ़े थे और एक जगह पढ़ चुके हैं। दिस इज ओनली मेथड फॉर मेकिंग ट्रांस अल्किन फ्रॉम अल्काइन,
करेक्ट। बाकी चार मेथड था सीस बनाने का, यही एक मेथड था जिसमें क्या बनता था, ट्रांस। तो अब हम लोग बल्क रिडक्शन पढ़ रहे बेंजीन के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए हर एक चीज़ का ऑप्शन निकाला गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोशिश किया गया है। जनरली क्या बोला गया था कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन अगर होता है, बेंजीन में अगर निकेल लेकर हीट करते हैं, ये पढ़ाया हूँ अल्केन में ही, तो या तो एडिशन नहीं होगा, और होगा तो इवन इफ अगर हाइड्रोजन कम भी रहेगा तो डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन बनता है। वहाँ पे NiH2 के केस में यही बोला था मैंने, राइट, कि अगर बेंजीन में NiH2 और उसमें भी 600 डिग्री पर अगर हीट करते हैं तो वन बेंजीन मॉलिक्यूल को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए मोटा मोटी मानिए कितना, 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 6 एटम। बट ऐसा तो नहीं कि एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाते हैं। तो बेंजीन में अगर लेस देन, ये पुराना स्टोरी है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और लेस देन 3 इक्विवेलेंट भी हाइड्रोजन लेते हैं तो बेंजीन बचा हुआ रह जाएगा, लेकिन अगर रिडक्शन होकर क्या बनेगा, डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन। अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो साथ में उसी मॉलिक्यूल का सारा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक ड्रॉबैक था, मान लेते हैं कि बेंजीन में आपको एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी दो पाई बॉन्ड को रखना है, तो उसके लिए सूटेबल था, ठीक है। ये होता है NiH2 लेकर करेंगे नहीं होगा, बट वाच रिडक्शन का रीजन क्या था, लिथियम अमोनिया लेकर हीट करते हैं ये बनता है। करेक्ट है ना। अब यहाँ पे बातों को समझिए, फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है और सेकेंड में रेजोनेंस नीचे एक लाइन लिखिए, तो इवन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, इवन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, बट इन वच रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बट इन वच रिडक्शन ऑफ बेंजीन ओनली सेकेंड इज फॉर्म्ड, ओनली सेकेंड इज फॉर्म्ड। एक्चुअल रीजन इज नॉट क्लियरली नोन, एक्चुअल रीजन इज नॉट क्लियरली नोन, ठीक है। तो जब रीजन पता ही नहीं तो आपको बोलने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सर मुझे तो यही चाहिए था, यहाँ देखिए एकदम सबका ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए, यही चाहिए था, कोई बात नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर इसमें ये लेंगे ये बनेगा, ये नहीं बना, बट हम लोग आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्किन तो पढ़े हैं, लेस स्टेबल अल्किन कन्वर्टेड टू व्हाट, मोर स्टेबल, तो उसका एडवांटेज ले लेंगे। मतलब आपको बेंजीन से यही चाहिए तो निकेल और हाइड्रोजन लेकर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि निकेल एक काम नहीं करता है, या निकेल में अगर आप थोड़ा कम भी सोचेंगे नहीं, एक ही हाइड्रोजन लेंगे मॉलिक्यूल लेंगे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऐसा निकेल में नहीं होता है। वच रिडक्शन एक कर सकता है, वच रिडक्शन में जब भी बनता है पाई बॉन्ड दोनों जस्ट अपोजिट आमने सामने बनता है, क्यों बनता है रीजन इज नॉट क्लियरली नोन, बट आपको मुझे चाहिए फर्स्ट, कोई बात नहीं। अगर इसमें हम लोग एच प्लस दे देंगे, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्किन, अल्किन का पहला क्लास पढ़ाया था, ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ आइसोमेराइजेशन लिखने से काम चल जाएगा, हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, कैसे होगा जरा बताइए, तो काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए करेक्ट, ये हो गया ना, H प्लस आ जाए कैटलिस्ट इन किया, फिर H प्लस आ जाए कैटलिस्ट आउट कर देंगे, कंजूस में आ जाएगा, हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन अल्किन से दूसरा अल्किन बनाना, लेस स्टेबल अल्किन से मोर स्टेबल, दिखा दीजिएगा।
यहाँ देखिए, लिथियम अमोनिया मैं इसमें तीन केस, हालांकि मैग्नीशियम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैग्नीशियम क्लियरली नोन नहीं है, बट तीन केस लिया हूँ। एक ऐसा केस जिसमें देर इज नो एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, दूसरा केस जिसमें एक्सेप्टर है, तीसरा केस जिसमें, यही तीन केस तो हो सकता था। और इन तीनों केस में एक बात कॉमन रहेगा, एक बात कॉमन ये रहेगा कि दो, एक पाई बोन ब्रेक होगा और दो पाई बोन बचेगा, दोनों पाई बोन जस्ट अपोजिट रहेगा, एक बात ही कॉमन है। लेकिन जहाँ पे डोनर रहेगा वो डोनर वन ऑफ द पाई बोन के साथ रेजोनेंस में रहेगा। आप इसको लिख पाएंगे जो मैंने बोल दिया? बोलिए स्टूडेंट, मैं सुन रहा हूँ। देखिए तो अभी सही नज़र आ रहा है? मैंने तीन केस लिया है, एक में डोनर है, दूसरे में एक्सेप्टर है, तीसरे में कुछ कोई ग्रुप नहीं है, करेक्ट? डोनर जो रहेगा और सब में एक बात कॉमन रहेगा कि पाई बोन दो, जो दो पाई बोन बचेगा और दोनों पाई बोन जस्ट अपोजिट रहेगा, पहला बात। लेकिन अनकॉमन बात रहेगा कि जहां पे डोनर रहेगा वो डोनर ग्रुप वन ऑफ द पाई बोन के साथ रेजोनेंस करेगा, करेक्ट? मतलब अगर डोनर रहेगा तो ये नहीं बनाएंगे, और ये बनाएंगे। और एक्सेप्टर रहेगा तो ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो एक्सेप्टर के लिए क्या बोलिएगा कि दोनों पाई बोन तो अपोजिट रहेगा उसमें, बट उसमें से कोई भी पाई बोन इस एक्सेप्टर के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, इसमें तो जानते ही हैं, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इस शॉर्टकट की पॉइंट को लिख लेना है, ठीक है? ओह, एक रिएक्शन छूट गया था स्टूडेंट। मैं वहाँ पे बोला था ऑल दिस फोर रिएक्शन, तो फोर्थ कहाँ था? आप तो रिमाइंड नहीं दिए। हैं, तीन ही रिएक्शन था ना? एक रिएक्शन ये था भाई, सॉरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है, इसका एक रिएक्शन CH3O CH2Cl AlCl3। चलिए ये था फोर्थ वाला।
यहाँ देखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन का कॉम्प्लेक्सेशन का बात आएगा तो किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? ईथर का कॉम्प्लेक्सिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ईथर इज वेरी गुड स्टोरिंग सॉल्वेंट फॉर लुईस एसिड, ठीक है? ईथर के केस में मैं पढ़ाया हूँ। तो CH3 यहाँ देखिएगा, ओ AlCl3- इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर CH2Cl, यहाँ तक आ जाइए। अब ध्यान से देखिएगा सर, नेक्स्ट यहाँ पे इस पे भी तो अटैक कर सकते थे, इस पे भी अटैक कर सकते थे, करेक्ट? मान लेते इट इज काइंड ऑफ SN1 SN2, करेक्ट है ना? तो SN2 में ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फास्ट कर देगा, करेक्ट है? तो यहाँ से क्या बन गया, CH2Cl प्लस। अब यहाँ देखिए, और यहाँ से आउट क्या हुआ, आउट होगा CH3O AlCl3-, करेक्ट? बट ये तो कैटलिस्ट है ना, फॉर मोमेंट रहेगा, और वहाँ पे डी प्रोटोनेशन होना है। क्या इसको ब्रेक करके ऐसे देखा जाए, CH3O- मुझे इसका रिक्वायरमेंट हो गया है, करेक्ट? SCH3O- यहाँ से क्या क्या लेगा, H+ ले लेगा, ठीक है? और अल्टीमेटली क्या नजर आएगा, अब लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक रिएक्शन पढ़ाए थे जिसका नाम था उर्ज रिएक्शन, करेक्ट? इस रिएक्शन का नाम है उर्ज फिटिंग रिएक्शन, लिख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा, आज के इतना ही, और आपका क्लास इसी क्लास में होगा।